नमस्कार दोस्तों, दोबारा से फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं 2022 का एक मल्टी बैगर स्टॉक जो अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न इधर देने वाला है। साथ में कंपनी के दोस्तों इधर हम टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं कि भैया एग्जैक्टली कंपनी करती क्या, ताकि उसके बाद ही हम कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकें। दोस्तों जो हार्डविन इंडिया लिमिटेड कंपनी है, एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, जैसे कि जो ग्लास है, हार्डवेयर फिटिंग है, इनके अंदर वर्क करती है। अगर हम कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं तो जो कंपनी है, डोर क्लोजर, हैंडल, लॉक्स, चैनल, जो प्लेटिनम डोर्स हैंडल हैं, हिंग्स है, स्लाइडिंग एंड ग्लास फिक्सिंग है, जो फ्लोर स्प्रिंग है, पैच फिटिंग है, शावर इनक्लोजर है, प्लास्टिक प्रोफाइल, कैनोपी और बहुत सारे जो बिल्डिंग मटेरियल है, कंपनी इनके अंदर वर्क करती है, जिससे इनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है। अगर साथ में मैं इसको ओवरऑल अगर आपको बताना चाहूँ तो जो कंपनी है, जैसे कि डोर हार्डवेयर, किचन हार्डवेयर, ग्लास हार्डवेयर और जो फर्नीचर हार्डवेयर है, इनके अंदर कंपनी वर्क कर रही है। तो दोस्तों ये थी कंपनी की प्रोफाइल। चलिए अब हम इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों ये इधर आप लोग देख रहे होंगे जो हार्डविन इंडिया लिमिटेड कंपनी का जो स्टॉक है, अगर हम मंडे की बात करते हैं 191.25 रुपए पे क्लोजिंग दी थी। स्टॉक इधर लगभग 9% दोस्तों माइनस आया था। इसका रीजन बिहाइंड द सीन आपको पता है कि मार्केट का भी किस तरह से चला, ग्लोबल जो इंडेक्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं तो जो MACD क्रॉसओवर है, अबुदा सिग्नल लाइन है, और साथ में जो हाईएस्ट रिकवरी की है कंपनी ने, जो 52 वीक लो से, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जितना 52 वीक से लो था कंपनी का जो, अगर हम बात करें स्टॉक, तो सबसे बढ़िया इधर रिकवरी दी है कंपनी के स्टॉक ने। अगर हम इसके MC टेक्निकल्स की बात करते हैं भैया, सब कुछ इधर ब्यूलिश नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट भी अभी अप चल रहा है और साथ में मार्केट और भी अप जाने की संभावना है। अगर आप सबसे पहले हम इसके बात कर लेते हैं भैया इसके फाइनेंशियल को, तो फाइनेंशियल के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम इसका जो स्टैंड अलोन है रेवेन्यू देख लेते हैं। देखिए आप लोग इधर 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 22 करोड़ था, उसके बाद 2020 में इधर 11 करोड़, 2021 में 57 करोड़ और अभी 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 84 करोड़ हो गया, यानी आप देख लीजिए अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ जो रेवेन्यू है इधर एक साल के अंदर कंपनी का बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, 2021 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 1 करोड़ रुपए था, लेकिन 2022 में कंपनी का प्रॉफिट इधर 3 करोड़ हो गया, यानी 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट इधर बढ़ गया है। अगर अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी 2021 में इधर 1.51 था, लेकिन 2022 में 3.34 हो गया, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर इसकी भी बात करें तो 3 गुना या फिर 2.5 गुना इधर बढ़ गया। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इधर 2021 में 12.86 था, लेकिन 2022 में ये 22.2 हो गया, यानी इधर रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा बढ़ा है। यानी इसके जो मेरे को जितने भी टेक्निकल एनालिसिस लग रहे हैं मुझे अभी तक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर 2021 में हम देखते हैं डेट टू इक्विटी, तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है सेम रहा है, लेकिन कंपनी का दावा कि बहुत ही जल्दी जो कंपनी है वो डेट फ्री हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं भैया इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर कि किस किस के पास कितने शेयर हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अगर प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 74.85% स्टेक है, यानी प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 75% है, यानी इतनी जो अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटरों के पास है, तो भैया इससे आपको पता ही लग जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर पब्लिक की बात करता हूँ तो पब्लिक के पास अभी अप्रोक्सीमेट 25.14 है। तो इधर आप लोग देख लीजिए कि प्रमोटर ने इधर मार्च 2021 से लेकर जून 2022 तक कोई भी इधर जो अपने शेयर्स हैं उनके अंदर प्लेजिंग नहीं की है। अगर हम डोमेस्टिक इन्वेस्टरों की बात करते हैं तो इसके अंदर है नहीं, लेकिन पब्लिक और प्रमोटर के पास ही शेयर अभी बंटे हुए हैं, और इधर पब्लिक और प्रमोटर दोनों के पास जो इनका शेयर का जो पैटर्न है वो न घटा है न बढ़ा, यानी भैया प्रमोटरों को अपनी कंपनी पर विश्वास है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इस कंपनी ने अभी एक अच्छा और काम किया है जो आप लोगों को बता देते हैं। हार्डविन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने इधर अपने जितने भी निवेशक थे उनको बोनस इशू किया था 28 जुलाई 2022 को, कि भैया कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके हिसाब से देखते हुए इधर 28 जुलाई को अभी बोनस इशू किया था। अगर हम बोनस को देखते हैं तो बोनस दिया था 1:2 में, यानी कि जिसके पास अगर किसी के पास 100 शेयर है हार्डविन इंडिया लिमिटेड के तो उसको 50 शेयर मिल गए थे, 1:2 में दिया। अगर किसी के पास 1000 शेयर थे तो उसको 500 शेयर मिल गए थे, यानी भैया जो उसके स्टॉक्स थे जिसके इन्वेस्टर के उधर 1.5 गुना बढ़ गए थे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि भैया कंपनी ने अपने जितने भी निवेशक है या इन्वेस्टर है उनको एक बहुत अच्छा बोनस दिया है। तो दोस्तों ये थी बहुत अच्छी अपडेट जो 28 जुलाई 2022 को
हार्डविन इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने निवेशकों को इधर बोनस दिया गया था। चलिए अब हम एडवांस चार्ट की तरफ चलते हैं और एडवांस चार्ट का इधर फुली एनालिसिस करते हैं। अगर हम एडवांस चार्ट को इधर गौर से देखते हैं तो आप लोग देख ले रहे होंगे कि वॉल्यूम में इधर अगर हम मंडे की बात करते हैं, मंडे से अगर हम फ्राइडे को देखते हैं तो एक ग्रीन कैंडल इधर बहुत अच्छा बना था, जिसमें जो निवेशकों ने इस स्टॉक के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिससे जो स्टॉक है अपवर्ड मूवमेंट की तरफ हो गई थी। लेकिन अगर मंडे को अगर इसको हम देखते हैं अगर मंडे को, तो इधर आप लोग देखें एक रेड कैंडल बनी थी, तो मार्केट भी उस तरह इसी तरह थी। अगर हम स्टॉक का इधर सपोर्ट देखते हैं तो जो फर्स्ट सपोर्ट है इधर आप लोग देख लीजिए 163.73 पे, और जो सेकंड स्टॉक अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो वो है 180 के आसपास। लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो ये स्टॉक है हार्डविन इंडिया लिमिटेड का, वो जिसका जो सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और बार बार अपने जो सपोर्ट लेवल पर आकर जो बाउंस बैक कर रहा है। तो आपको भी पता है अगर कोई स्टॉक अपने जो सपोर्ट जोन पर अगर बार बार बाउंस बैक होता है तो उसके दोस्तों एक ब्यूलिश रहता है कि ब्यूलिश कैंडल बनती है, कि ब्यूलिश रहता है कि भैया स्टॉक बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए जो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा बनता है 217 या 215 के आसपास, जैसे स्टॉक इस 217 के जो रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी जो स्टॉक है इधर 250 रुपये के आसपास जाना चाहिए। लेकिन ये रेजिस्टेंस देखते हैं कब ब्रेक करता है। लेकिन अगर हम बात करते पिछले सेशन की, तो एक रेड कैंडल बना था और अप्रोक्सीमेटली स्टॉक की अगर बात करें 8 से लेकर 9% गिरा था। लेकिन आपको पता है कि जो ये मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, और यही हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि भैया जब स्टॉक इतने लेवल पर गिरता है तो थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में हमें वो करना चाहिए। अगर हम बाइंग की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हम स्टॉक या कंपनी के अंदर अपनी एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सेल की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अपने फील्ड की एक दिग्गज कंपनी है जो इतने फील्ड के अंदर काम कर रही है भैया, हार्डवेयर के अंदर, किचन के अंदर, उसके बाद ग्लास फर्नीचर के अंदर, और अपने जो फील्ड की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है, तो जिसका रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो इस लेवल के ऊपर आप बाइंग बना सकते हैं। सेल की सलाह मैं इधर आपको नहीं दूंगा, क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी मुझे इधर से सुधरता हुआ नजर आएगा, और साथ में अगर हम बात करते हैं MACD क्रॉसओवर की तो वो भी इधर ब्यूलिश नजर आ रहा, तो उसको देखते हुए भी हम अपनी जो बाइंग इधर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं फाइनली अपने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की अगर ये बात करते तो इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट 190 या 200 रुपए के जो रेंज के बीच में आप स्टॉक को बाय कर सकते हो एज SIP मोड, और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप होल्ड करके रखिए, एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। लेकिन इधर मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, जितने भी ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस रहते हैं ये मेरे खुद के रहते हैं, तो जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर पोजीशन बनाते हैं आपको खुद का आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों इधर करना, उसी के बाद आपको स्टॉक किसी भी स्टॉक के अंदर बाइंग बनाना है। फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। हार्डविन इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में आपका क्या कमेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।